ट्रैक्टर ट्रॉली आई है रॉन्ग साइड से, और गाड़ी में सिर्फ हम लेडीज और बच्चे ही थे। हमारे ड्राइवर ने बहुत दूर से ब्रेक मारी है, बट वो ट्रॉली वाला रुका नहीं है, बल्कि एक कोई आए हैं, उन्होंने कहा आपको हेल्प चाहिए। हमने कहा नहीं सब ठीक है, और उन्होंने हमें नंबर दिया, तो हमने पुलिस को, वो तुरंत आ गए। नहीं चोट नहीं, किसी बचाव हो गया। कार्रवाई चाहेंगे ऐसे ट्रैक्टर चालक के खिलाफ? कोई मिलता तो डेफिनेटली, ये तो हमारे साथ और किसी और के साथ सकता है। जान प्राण की, किसी और के कुछ हो गया। ये इनोवा थी तो बच गए, छोटी गाड़ी होती तो सब डैमेज था। नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से, देख सकते हैं एक और सुबह जबरदस्त हादसा जो है वो देखने को मिलता है। दिल्ली नंबर इनोवा है DL4N4CNE4658। ये देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हुई है, पूरी एक तरफ से गाड़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हालांकि बताया ये जा रहा है कौन सा वाहन था, इस चीज़ का अभी नहीं पता लग पाया। फिलहाल इसके अंदर सवारियां जरूर सवार थी, अभी उन्हें इस चीज़ का मालूम नहीं है कि हादसा किस चीज़ से हुआ, पर जो गाड़ी इसके साथ टकराई है वो यहाँ से ज़रूर चली जाती है। उसके बाद जैसे ही डाल 112 को जानकारी मिलती है मौके पर ज़रूर पहुँचते हैं, और शुक्र जी इतना है जो इसके अंदर सवार थे वो सभी के सभी सुरक्षित जरूर हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अपील आप सभी से करूँगा, आप चला रहे थे गाड़ी? चला तो रहा था मैं, हाँ जी, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला रॉन्ग साइड आ रहा था। रोहतक से अम्बाला, और अम्बाला से जाना था इधर, अम्बाला जा रहे थे। आप देख सकते हैं इनका कहना है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला किस तरह से गलत दिशा से आ रहा था, और स्पीड भी उसकी काफ़ी तेज़ थी। जी हाँ, उसकी स्पीड भी ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी तेज़ थी। अब पुलिस जो जांच है इस चीज़ की ज़रूर करेगी, ट्रैक्टर ट्रॉली वाला इस साइड कैसे आ गया। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, देख सकते हैं पूरी गाड़ी एक तरफ से ख़त्म ज़रूर हो जाती है। काफ़ी ज़ोरदार हादसा रहा है, भगवान का शुक्र है कि इसमें जो सवारियाँ थी वो सुरक्षित हैं। देख पा रही हैं सवारियाँ ज़रूर यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और डायल 112 की गाड़ियाँ जो हैं वो मौके पर पहुँच जाती हैं। जी हाँ, डायल 112 की दो दो गाड़ियाँ मौके पर पहुँच जाती हैं, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं जाम की स्थिति ज़रूर बनी हुई है नेशनल हाईवे के ऊपर, ये जाम की स्थिति ज़रूर बनी हुई है। किस तरह से देख सकते हैं ये सवारियाँ थी रोहतक से अम्बाला जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है कि रोहतक से अम्बाला जा रही थी, और सामने से एक गलत दिशा से ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, जिस कारण ये हादसा जो है वो बताया जा रहा है कि हुआ है देवीलाल चौक के ऊपर हुआ है। जी हाँ, देवीलाल चौक के ऊपर हुआ है, पुलिस से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। मैडम कैसे हुआ था, कौन आया था सामने? ट्रैक्टर ट्रॉली आई है रॉन्ग साइड से, और गाड़ी में सिर्फ हम लेडीज और बच्चे ही थे। हमारे ड्राइवर ने बहुत दूर से ब्रेक मारी है, बट वो ट्रॉली वाला रुका नहीं है, बल्कि एक कोई आए हैं, उन्होंने कहा आपको हेल्प चाहिए। हमने कहा नहीं सब ठीक है, और उन्होंने हमें नंबर दिया, तो हमने पुलिस को, वो तुरंत आ गए। नहीं चोट नहीं, किसी बचाव हो गया। कार्रवाई चाहेंगे ऐसे ट्रैक्टर चालक के खिलाफ? कोई मिलता तो डेफिनेटली, ये तो हमारे साथ और किसी और के साथ सकता है। जान प्राण की, किसी और के कुछ हो गया। ये इनोवा थी तो बच गए, छोटी गाड़ी होती तो सब डैमेज था। आप देख सकते हैं सवारियां जरूर यहां से निकल रही थी, उनको साफ तौर पर कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला सामने से आता है, अचानक से उसने यहां पर टक्कर लगा दी, जिस कारण ये हादसा हुआ है। ये तो बड़ी गाड़ी थी, बचाव हो गया, अगर छोटी गाड़ी होती कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। डायल 112 से भी टीम पहुंची हुई है, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर क्या जानकारी मिली थी यहाँ पहुँचे? हमारे पास 112 से फ़ोन आया कि भाई जो है ना नमस्ते चौक बताए ना, भाई नमस्ते चौक के पास जो है ना एक्सीडेंट हो गया। तो हमने आगे देखा देवीलाल चौक के पास ही एक्सीडेंट था, तो आगे इनसे पूछा, इन्होंने तो पता नहीं था, ड्राइवर ने तो पता भी नहीं चला भाई मेरा किस चीज़ के साथ एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने बोला एकदम आँख मेजी की, मेरे को तो पता नहीं भाई ट्रैली थी, ट्रैक्टर था या ट्रक था। तो पीछे जो दूसरी गाड़ी आई उसने बताया भाई ट्रैक्टर ट्रैली थी। सर ऐसा संभव है नेशनल हाईवे पे कोई इधर रॉन्ग साइड जा रहा होगा? ऐसे तो बता तो रहे हैं भाई ट्रैक्टर ट्रॉली वैसे कि संभव है, ऐसे तो नहीं करो अभी ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जी, ये तुक तो नहीं बना, बाकी आया तो गलत आया जी। अभी पता नहीं चला भाई ट्रैक्टर ट्रॉली, हाँ कैमरे चेक किए जाएंगे जो भी होगा उसके तेज कार्रवाई का अमल में लाएंगे। अब देख सकते हैं डायल 112 का कहना है जो उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। फिलहाल अब
क्रेन को मौके पर बुला लिया गया है। क्रेन मौके पर पहुंच चुकी है क्योंकि गाड़ी अब चलने के हालात में नहीं है। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, एक तरफ से पूरी क्षतिग्रस्त, इसके पार्ट्स भी उतर कर सड़क पर बिखर जाते हैं। जी हाँ, इसके पार्ट्स भी जो हैं सड़क पर उखर कर किस तरह से बिखर जाते हैं। डायल 112 की दो दो गाड़ियाँ मौके पर पहुँच जाते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे के बीचों बीच ये हादसा ज़रूर हो जाता है। देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, दूर दूर तक कांच ही कांच, ये ड्राइवर साइड का जल्दी खिड़की का जो शीशा था वो देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा नेशनल हाईवे के ऊपर बिखर जाता है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करना। किस तरह से देख सकते हैं, सुबह सुबह बताया जा रहा है कि यहां से करनाल की तरफ, करनाल की तरफ से दिल्ली की तरफ रॉन्ग साइड नेशनल हाईवे के ऊपर जो एक ट्रैक्टर चालक आ रहा था, उसने देखा नहीं आगे से इनोवा गाड़ी तेज रफ्तार आ रही थी, वो अपनी दिशा में जा रही थी और आमने सामने से साइड से टक्कर हो जाती है। देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर, अब गाड़ी को यहां से जरूर क्रेन के जरिए साइड पर हटवाया जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर ये हादसा हुआ है। बिल्कुल देवीलाल चौक के ऊपर ये हादसा देखने को मिलता है सुबह सुबह। किस तरह से देख सकते हैं, गाड़ी के एक साइड से पूरे प्रखच्चे किस तरह से उड़े हैं वो आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सवारियां भी यहां पर मौके पर मौजूद थी, हालांकि वो दूसरी गाड़ी में यहां से ज़रूर चली जाती हैं। जी हाँ, दूसरी गाड़ी में ज़रूर चली जाती हैं क्योंकि अब इन्होंने अंबाला ज़रूर जा रहा था और बच्चे भी बताए जा रहे हैं सवार थे इस गाड़ी के अंदर, बच्चे भी सवार थे। और आप देख सकते हैं DL4CNE4658 देख सकते हैं ये गाड़ी है। अब क्या कार्रवाई होगी इसमें पुलिस की, फिलहाल अब जानकारी ये मिली कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली वाला रॉन्ग साइड जो है वो मार कर चला जाता है। अपील आप सभी से, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। अब गाड़ी को यहां से क्रेन के जरिए हटवा कर लगते थाने में ज़रूर लेकर जाया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस तरह से बताया जा रहा है, रोहतक से गाड़ी चली थी और अंबाला जाना था और ड्राइवर को बता रहे हैं कि इस पता भी नहीं लगा आगे से क्या वाहन आया। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली रॉन्ग साइड से आ रही थी, रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी जिस कारण ये हादसा हुआ है। आईओ भी मौके पर पहुँच चुके हैं। अपील आप सभी से रहेगी इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेशनल हाईवे के ऊपर सुबह सुबह एक हादसा देखने को मिलता है, इनोवा के एक साइड से प्रकच्चे किस तरह से उड़ चुके हैं वो लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। डायल 112 की दो दो गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। जी हाँ, दो दो गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। फिलहाल इनोवा को जरूर साइड पर किया जा रहा है क्योंकि हादसा काफ़ी ज़ोरदार रहा एक साइड से। भगवान का शुक्र है इसमें बच्चे और लेडीज सवार थी, सभी की सभी सुरक्षित बताई जा रही हैं और वो दूसरी गाड़ी से यहाँ से आगे की ओर रवाना ज़रूर हो गए हैं।